जाता है और बहुत ज़्यादा ये शुभ पौधा होता है, घर में लगाना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी का इसमें वास रहता है, लक्ष्मी जी का, इसलिए पीला फूल कनेर का जो होता है बहुत अच्छा होता है घर में लगाना। और भी इस तो नीलम वात्सल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास जो प्लांट है वो कनेर का है, और ये पीला कनेर है। पीला कनेर बहुत ही पावरफुल होता है पूजा के लिए, जैसे भोलेनाथ पर ये बहुत अच्छा तरह से चढ़ता है, बहुत ज़्यादा चढ़ता है, और ये विष्णु जी पर भी बहुत अच्छी से इसको चढ़ाया जा सकता है, और ये घर में लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो आज इसके बारे में मैं बता रही हूँ कि आपको अगर कनेर का पौधा घर में लगाना हो तो कैसे लगाए इसको, और आप छत पर ही कैसे इसको आसानी से ज़्यादा फूल आप पा सकते हैं। तो जैसे देखिए कि मैं यहाँ 12 इंच का पॉट में लगाई हूँ और मेरा पौधा बहुत बड़ा हो गया है, देखिए कि कितना ज़्यादा ये बहुत बड़ा हो गया है, और इसमें बहुत सा कली, जैसे देखिए कि कली, बहुत ज़्यादा कली फूल, जैसे बरसात का सीजन में तो ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी करता है, ख़ास करके सावन महीना में, सावन का महीना में इसको तो और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाती है। तो मैं इसको एक कटिंग से लगाई थी और इसको बरसात के ही सीजन में लगाई थी इसको। तो आपको लगाना कैसे है तो इसके बारे में आप देखिए कि कटिंग से भी लगा सकते हैं, जैसे इतना ये पका हुआ टहनी है, तो पका हुआ टहनी को आप यहाँ से जैसे मोड़ जहाँ पर आया यहाँ से आप इसको तोड़ लीजिएगा, तो तोड़ने के बाद आप इसको आराम से लगा सकते हैं। तो जैसे देखिए कि यहाँ से लगा दीजिएगा तो यहाँ आप 2 इंच तक इसको छील दीजिए, 2 इंच तक छीलने के बाद आप जैसे 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 20% आप बालू ले लीजिए, जैसे रेत बोलते हैं, बजरी भी बोला जाता है उसको, तो आप उसको ले लीजिए, और आप 30% गोबर की खाद लीजिए, फिर आप 20% बर्मिंग कंपोस्ट ले लीजिए, और ना भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सबको मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा नीम खली ले लीजिए, और आप इसको ग्रो कर दीजिए, और इसको थोड़ा सा छायादार जगह में रख दीजिए, ज़्यादा मतलब 1 हफ्ता के लिए इसको छायादार में रख दीजिए, उसके बाद आप निकाल कर हल्का हल्का इसको धूप दीजिए, जब इसमें देखिए कि पत्ती आ जाए तो इसको फिर आप निकाल कर धूप में रख सकते हैं। और जैसे हार्डली प्लांट होता है, तो हार्डली प्लांट है तो इसको कोई दिक्कत नहीं रहता है, धूप से 5-6 घंटा या 8 घंटा इसको धूप दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पानी देते ही रहना है। तो ये तो लगाने की विधि हो गया, उसके बाद आप इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं, तो जैसे देखिए कि इसको ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, जैसे हम लोग प्याज खाते हैं, केला खाते हैं, तो इसको क्या करना है कि आप केला को, प्याज को, छिलका को आप फेंकिए मत, आप इसको रख दीजिए, और रखने के बाद 1 लीटर पानी में, जैसे 2 केला हुआ तो 2 केला को आप 1 लीटर पानी में आप रख दीजिए भिगो कर, और 24 घंटा के लिए इसको छोड़ दीजिए, और उसी में 2 प्याज को, छिलका को भी डाल दीजिए, एक पौधा के लिए परफेक्ट है। और आप उसको फिर क्या करना है कि 24 घंटा या 48 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्मेल आने लगता है इसके कारण, पहले ही आप 24 घंटा में ही इसको अपना पौधा में गुड़ाई करके, जैसे देखिए कि यहाँ गुड़ाई कर दीजिए, गुड़ाई करने के बाद आप 1 मुट्ठी गोबर की खाद डाल दीजिए, या बर्मी कंपोस्ट या पत्ती की खाद जो भी अवेलेबल हो आप उसको डाल दीजिए, और डालने के बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर उसमें पानी जो आप रखे हैं छान कर भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं, तो आप उसको फिर डाल दीजिए। यकीन नहीं मानिएगा दोस्तों, आप ना 15 दिन में ही देखिएगा कि इसमें कितना ज़्यादा ग्रोथ आ गया है। और इसको लगाने का समय है कि रेनी सीजन में बहुत परफेक्ट होता है। अब जैसे आपको पहले से ही प्लांट है तो इसको प्रूनिंग करना हो तो फरवरी से ही शुरू कर दीजिए, आप जैसे कटिया छटिया करना चाहते हैं तो आप छोटा प्लांट कर दीजिए, और फरवरी में छोटा प्लांट कर दीजिएगा तो आप मार्च अप्रैल आते आते देखिए पूरा बहुत बड़ा, मैं तो एकदम बहुत ज़्यादा हार्डली प्रूनिंग की थी, और देखिए मैं छत पर ही कितना बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब फूल मैं पूजा के लिए रोज़ ही तोड़ती हूँ, जैसे आज भी तोड़ना है तो सोची कि पहले वीडियो बना लेती हूँ, जैसे पूजा के लिए फूल रोज़ तोड़ना है दोस्तों, सावन का महीना है, इस
इसको तोड़ना है पूजा के लिए, तो इसी तरह से करना है। और करने के बाद आपको क्या करनी है कि आप इसको रोज सुबह शाम पानी दीजिए। अगर बरसात है, ज़्यादा गीला मिट्टी भी नहीं करनी है, अब बरसात है तो आप इसको रोज़ पानी न भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा धूप रहे तो इसको पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे देखिए कि मेरा सभी प्लांट तो अभी एवर ग्रीन है, बहुत अच्छा अच्छा फूल भी दे रहा है, और इसमें सभी प्लांट स्वस्थ भी है। तो मैं पूजा के लिए रोज़ ही फूल तोड़ती हूँ दोस्तों, मेरा पूजा के लिए फूल घर में ही बहुत ज़्यादा अच्छा से मिल जाता है। और पूजा करने के लिए आप एक ही पौधा लेकिन ज़रूर लगाइए सावन का महीना में। तो इसको आपको एक दिन का ही तो ये फूल रहता है, इसलिए तोड़ना भी ज़रूरी रहता है कि पूजा के लिए घर में फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो देखिए मैं फूल कुछ तोड़ ली हूँ, और जैसे सेमी प्लांट भी लगाना सावन के महीना में, सेमी प्लांट को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो मैं घर में ही सभी प्लांट को लगा कर रखी हूँ, एक प्लांट मेरा और भी है जो बहुत बड़ा है। कनेर का पौधा जो होता है दोस्तों कई कलर में आता है, तो एक पौधा मेरा वहाँ है देखिए कोना पर पूरा बड़ा, जो बहुत बड़ा सेमी का प्लांट है। लोग बोलते हैं कि सेमी के प्लांट घर में नहीं होता है, गमला में नहीं होता, देखिए कितना बड़ा मेरा प्लांट है, बहुत बड़ा ऊपर में है जो मैं ऊपर रख दी हूँ, क्योंकि कांटेदार रहता है तो बहुत नीचे दिक्कत करता है। और कनेर तो हर एक वैरायटी में आता है, कलर में भी आता है, तो मेरे पास दो कलर का है, एक कलर ये भी है। तो पीला कलर का जो फूल होता है कनेर का, वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है पूजा के लिए, और पीला ही ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। ऐसे तो सभी फूल अच्छे होते हैं। तो देखिए मैं पूजा के लिए कुछ फूल तोड़ ली हूँ, और भी तोड़ना है दोस्तों। तो इसी जब फूल आप तोड़ कर भगवान पर चढ़ाइएगा तो बहुत अच्छा लगता है, कहूँ जाना नहीं पड़े और घर का ही फूल मिल जाए तो कितना सुंदर लगता है। जैसे देखिए कि मैं यहाँ रोज़ फूल तोड़ती हूँ, और सभी कोई मेरे यहाँ जो पूजा करते हैं तो सभी कोई को तोड़कर मैं यहाँ रख देती हूँ। और पूजा करने में आनंद भी आता है कि अपना ही आंगन का फूल भगवान पर चढ़ाना पड़ता है तो बहुत अच्छा आनंद भी लगता है। ते हैं हार्डली प्लांट जो होता है उसको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, और आप थोड़ा सा ग्रो कर कर आप रख दीजिए तो उसी में आपका बहुत अच्छा अच्छा फूल भी मिल जाएगा। तो कनेर जो होता है सावन के महीना में बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा इसको महत्व बढ़ जाता है समी पत्र को। और जैसे देखिए कि यहाँ पर ये जो फूल है ये अपराजिता का है, मैं सभी प्लांट घर में ही रखती हूँ और घर का ही मैं अच्छा तरह से इसको यूज करती हूँ। तो दोस्तों कनेर जो बोलते हैं लोग कि कनेर छत पर नहीं होता है, तो मैं तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा भी रही हूँ, बहुत पहले भी वीडियो बनाई हूँ। आप भी ग्रो कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पता चले कि कनेर का पौधा भी घर में लगाया जाता है, और बहुत ज़्यादा ये शुभ पौधा होता है।